हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद और आज आपको बुंदेलखंड के कुछ ग्रामीणों की सैर कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा आप मेरे साथ, फिर देखो होता क्या है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे साइड में कुछ पौधे लगा रखे हैं इन्होंने, देखते हैं। और साइड में ये गैया का बच्चा बैठा हुआ है जो घास चर रहा है। और चारों तरफ का मौसम हरा भरा हुआ है और जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक गाय का बच्चा खड़ा हुआ है। अभी बहुत ही छोटा है ये, बहुत ही प्यारा सा है, देखते हैं। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्यूट सा है। और ऐसा कुछ बना हुआ है, यहाँ का घर जो यहाँ पे दो कमरे बने हुए हैं। और आगे देखते हैं क्या है। ये यहाँ पे ये जिनका घर है और इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक खेती भी कर रखी है जो हम आपको अभी दिखाते हैं। और ये सभी सब्जियां लगी हुई हैं और ये नल लगा हुआ है जिससे ये लोग सिंचाई करते हैं, सब्जियों में पानी डालते हैं। और ये तुलसी का पौधा है और ये छोटी सी शिवलिंग है और शिवलिंग के बगल में नंदी बाबा हैं जो इन्होंने स्थापित किया हुआ है यहाँ पे पूजा वूजा करने के लिए। और ये तुलसी के पौधे हैं और ये इनका नल लगा हुआ जो ये सिंचाई करते हैं। और ये इन्होंने कुछ ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाते हैं जो कुछ मार्केट में भी लेके जाते हैं और अपने खाने के लिए भी ये लोग स्वयं पैदा करते हैं। और यहाँ पर इन्होंने अदरक बो रखी है और काफ़ी सब्जियाँ इन्होंने बो रखी हैं। पालक है, सीताफल है और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे ये सारा सीताफल लगा हुआ है और काफ़ी मात्रा में यहाँ से सीताफल ये लोग बाज़ार में भी मार्केट में भी लेके जाते हैं। और ये पालक अभी छोटी छोटी है और अभी हम आपको सीताफल दिखाते हैं लगा हुआ एकदम नेचुरल। ये यहाँ पे ये सीताफल है और कुछ इन्होंने इस तरह से बो रखी हैं सब्जियाँ, ऑर्गेनिक सब्जियाँ। और आपको दिखाते हैं, ये इन्होंने पुतला सा बना रखा है जो जानवरों की वजह से बना रखा है, जानवर डर के भाग जाते हैं इसको देखकर। और ये देखो सारी सब्जियाँ इन्होंने बो रखा है। और ये तरोई तरोई है, ये एकदम नेचुरल तरोई है जो इन्होंने बो रखा है और मार्केट में ये तरोई भी जाती है इनकी। और यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं इन्होंने छप्पर बना रखा हुआ है जिसके नीचे आप बैठ भी सकते हैं और ठंडी ठंडी हवा भी ले सकते हैं, बिल्कुल एकदम नेचुरल हवा, ठंडी ठंडी हवा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं जो नींबू भी यहाँ पे होते हैं, अभी नींबू भी दिखाते हैं आपको। ये लगा हुआ है जैसे कि नींबू और ये लोग नींबू भी मार्केट में ले जाते हैं। देखो एक तरफ से नींबू नींबू ही लगा हुआ है। और दिखाते हैं आपको कुछ, ये कुछ लोकेशन है यहाँ खेतों की। और ये यहाँ पे सिंधिया, गांव के भाषा में इसे सिंधिया कहते हैं। इसे खाकर देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, बहुत ही मीठा टेस्ट होता है दोस्तों इसका। और देखते हैं इसका टेस्ट, बहुत ही मस्त टेस्ट है इसका, गजब, बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका।